नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज हमीरपुर। जनपद हमीरपुर की राट सब्जी मंडी में खुले आम उड़ाई जा रही है लॉकडाउन की धज्जियां। राट सब्जी मंडी में गैर लाइसेंसधारी सैकड़ों की संख्या में सब्जी लेने के लिए लगाते हैं भीड़। लॉकडाउन के इस समय में जब फेस मास्क की अति आवश्यकता है, ऐसे में किसी के पास भी नहीं मिलेगा देखने के लिए भी फेस मास्क। दुकानदार भी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने में लगे। जनपद हमीरपुर की राट सब्जी मंडी में रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, झुंड बनाकर एकत्रित होकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भैया आपका ये जो हालत हमें दिखाई दे रही है अभी आपकी है, जिस प्रकार से देश में, राज्य में और पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है कोरोना जैसी, और लोग, सरकार ने लोगों से कहा है डिस्टेंस बनाने के लिए, लेकिन आपकी हालत पे हम देख रहे हैं कि लोग झुंड बनाकर सब्जी ले रहे हैं, क्या कारण इसका? नहीं, आप सबको समझा दिया गया है, दूर दूर फासले बना रख के और दूर दूर चले। जैसे आप कह रहे हो समझा दी गया है, 21 दिन का लॉकडाउन पूरा हो चुका है, दूसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी दुकान पर हमें ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिली जिससे लॉकडाउन का पालन हो रहा है। ना यहाँ पर रिंग बना के रखे, ना कोई अभी तक समझाता हुआ मिला है, बस झुंड मिल रहे हैं। तो अगर किसी प्रकार का संक्रमण फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा इसका? भाई सबको समझाना भाई है, भाई माने ना माने बेकार, हम तो सबको समझा रहे भाई साहब दूर दूर रहो और दूर दूर से ही तोड़ा लो। लेकिन दुकानदार जी, अगर इस प्रकार से कोई भी घटना होती है या कोई संक्रमण फैलता है तो इसके दुकान जो भी होगा, इसके आरोपी दुकानदार होंगे ना, अगर आप लोग नहीं मानोगे? सबको समझाया जा रहा है, नहीं मान रहे, बहुत सवेरे से चिल्ला रहे भाई दूर दूर से दौड़ा लो और ज्यादा भीड़ मत लगाइए। आप तो यहाँ रिंग कहाँ बना रखे हैं आपने? रिंग लाने आपका मोहम्मद सराजुद्दीन, ये हालत आपकी है? हाँ। अरे जिस प्रकार से यहाँ देखा जा रहा है, सरकारी आदेश है कि आप लोग मंडी में वही लोग आएंगे जिनके पास लाइसेंस है और डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, लेकिन आपकी हालत में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 50 की झुंडे में लोग खड़े क्यों कर रहे हैं? ये लोग तो 10 किलो ले रहे हैं ना। तो क्या आपने कोई ऐसा प्रबंध किया है कि लोग दूरी बनाकर खड़े हो? कर रहे, मान नहीं रहे। तो आपने रिंग क्यों नहीं बनाई? यहाँ तो रिंग कहीं दिखाई नहीं दे रही, आपने दूरी बनाने के लिए क्या किया है? कल से बन जाए, कल से बन जाए। अभी तक ये क्यों करते कर रहे हो आप ऐसा? मजबूरी आदमी की, भगा दो तो आप भगाए नहीं दोगे, भगवान समान होता। तो ये किसकी लापरवाही है इसमें, ये बताओ आप? लापरवाही गिरा गई की समझा, हम तो कह रहे भाई दूर रहो, लापरवाही है। मुनीम जी, जैसे कि अभी यहाँ पे सब्जी बेच रहे हो आप और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सरकार ने कह रखा है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग झुंड बना के 50 की भीड़ में खड़े हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? भाई हम सभी लोगों से कहते हैं लॉकडाउन का पालन करिए, कोई भी किसान है, व्यापारी है, जल्दी पड़े सबको बताओ, पर्ची भीड़ लगाए पर्ची नहीं पा रहे। जिस प्रकार से महामारी फैली हुई है, अभी तक पूरे दुनिया में लाखों की संख्या में लोग मर चुके हैं और हमारे हिंदुस्तान में बराबर बढ़ती आ रही है, क्या आपने इसके लिए रिंग बनाए हैं यहाँ पे लोगों को खड़ा करने के लिए? क्या आपने रिंग बनाए हैं कि दूरी बनाने के लिए डिस्टेंस रखा जाए? हम यहाँ कह रहे हैं सभी से, पार्टी कह रहे हैं भाई लॉकडाउन पालन करिए, दूरी बनाए रखिए, अब यार सबको जल्दी पड़ रही है। दुकान आपकी हालत आपकी, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारी। राकेश, अरे जैसे कि इस तरफ यहाँ पर देखो आप, जैसे कि यहाँ पर अभी महामारी फैली हुई है, वो गवर्नमेंट ने आदेश जारी किए हैं कि अगर जो भी सब्जी की दुकानें खोल रही है राशन की, उसमें दूरी बना के रखनी है डिस्टेंस, लेकिन आपकी दुकान पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इस प्रकार से लोग ऐसे खड़े होंगे झुंड बनाकर, तो इसमें अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण फैले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब आपने किसी को अभी तक कहा है दूरी बनाने के लिए, कि दूर खड़े हो? लेकिन आपकी दुकान पे तो कहीं रिंग दिखाई नहीं दे रही, कहीं भी रिंग लगे हो या खड़े होने की जगह बनाई हो आपने? तो कहीं नहीं मिलेगी। तो क्या वजह है इसकी? क्या इसको आप लोगों की लापरवाही समझा जाए? लापरवाही नहीं है, कुछ कानून के बराबर। जैसे कि आप सब्जी व्यापारी हो, ये आपकी हालत है, देश में कोरोना जैसी महामारी फैली है, लोगों को दूरियां बनाने के लिए बोला जा रहा है, डिस्टेंस बना रही, लेकिन यहाँ पर जो सब्जी मंडी में है, देखा जा रहा है कि अभी तक किसी भी हालत पर कोई भी हमें इस बात का पालन करते हुए नहीं मिला है। आप लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या कारण है इसका? सुबह से भीड़ हो जाती है, घंटे का व्यापार रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो इसके लिए आपने क्या इंतजाम किया है लोगों को दूरी रखने के लिए? देख रहे हो कि झुंड के झुंड बना के बैठे चिपके हुए हैं, हिदायत देते हैं मास्क लगाने की, टॉवल लगाने की, लगा लो मुंह पे, जो भी व्यवस्था हो गए या हाथ धो गया, बार बार हाथ धुलवा देते हैं, बोल देते। 21 दिन का लॉकडाउन खत्म हो चुका है, जबकि दूसरा लॉकडाउन अभी लागू कर दिया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने ये साफ लफ्जों में कहा है कि पहले से ज्यादा कड़ाई होगी, लेकिन यहाँ पर इतनी ढील पोल दिखाई दे रही है, क्या कारण है इसका? और अगर कोई संक्रमण में आता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके वो हिदायत दे दी गई सभी लोगों को, कल से जो लोग भी आएंगे सभी मास्क और तौलिया लगा के सभी फासले पे खड़े होंगे। यहाँ पर अभी तक किसी भी हालत में रिंग बने नहीं मिले लोगों को दूरी खड़ी होने के लिए, इसका क्या कारण?
हो सकता है? अभी जो है कि वैसे ही चल रहा था सब ढीला, आज से हिदायत दे दी गई सभी लोगों को। इस बात को आप मान रहे अभी तक ढीला चल रहा था? बिल्कुल अभी तक ढीला चल रहा था, लेकिन कल से हिदायत दे दी गई, आज से हिदायत दे दी गई है, कल से सभी लोग व्यवस्था कर। जैसे कि यहाँ अध्यक्ष रशीद राय ने कहा कि आज इस समस्या को लेकर इस बात को लेकर मीटिंग होगी, तो क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य मीटिंग होगी, बिल्कुल आज ही होगी मीटिंग। क्या नाम है आपका? जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि आप लोग मंडी समिति के अध्यक्ष हो और यहाँ कोरोना महामारी जैसी बीमारी पूरे देश में फैली है, सरकार ने इसके कुछ नियम बनाए हैं कि अगर सब्जी की दुकानें खुल रही हैं तो इसमें लोग वही जाएंगे जिनके पास लाइसेंस है, दूसरी बात लोगों को डिस्टेंस बनाकर रखना है, लेकिन अभी तक हमने पूरी मंडी में देखा है यहाँ कहीं डिस्टेंस तो मिला नहीं और पचासों की संख्या में एक एक दुकान पर लोग झुंड बनाकर सब्जी ले रहे हैं, क्या कारण है इसका? किसानों की जो बड़ी है आना जाना, जिस वजह थोड़ा भीड़ है, लेकिन इस पर कल से कंट्रोल कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से लोग राशन की दुकानें हैं, डेयरी हैं और भी कई दुकानें हैं, मेडिकल है, अस्पताल है, अस्पताल में भी ऐसा बढ़ता जा रहा है, लोग रिंग बना रहे हैं दूर दूर खड़े होने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि 21 दिन का टाइम खत्म हो चुका है, दूसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो इतनी लापरवाही कैसे आप लोगों ने कर दी? भाई अभी तक सब डिस्टेंस बनाए थे, दूरी बनाए थे, मंडी में आवक कम थी, अभी कुछ दिन से किसान आ रहे हैं जिनको आज बुला के सबको समझा दिया जाएगा कि डिस्टेंस बना के चलें, सरकार के नियमों का पालन करें, और आज इसी में एक मीटिंग होगी, इस मीटिंग में सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं, आप भी जान रहे हो कि लोग बाहर से थोड़ी छूट मिलने के बाद आ रहे हैं, और वो लोग ऐसा नहीं कि मंडी भी ना आए, अगर किसी के द्वारा किसी को संक्रमण फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।